आखिर हर साल घर घर में गणेश जी को क्यों बिठाया जाता है, क्या है इसके पीछे का कारण, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका तेजस ऑन फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। कुछ लोगों के अनुसार गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी, लेकिन लोकमान्य तिलक ने 1893 में सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। लेकिन इससे पहले भी गणेश जी को हर घर में बिठाते थे। उस समय आज की तरह पंडाल नहीं बनाए जाते थे और ना ही सामूहिक गणपति विराजते थे। तो चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की है, लेकिन महाभारत जैसा महाकाव्य लिखना महर्षि वेदव्यास जी के वश की बात नहीं थी। तब उन्होंने भगवान गणेश जी की आराधना की और उनसे महाभारत लिखने की प्रार्थना की। महर्षि वेदव्यास जी की प्रार्थना के बाद गणपति जी ने अपनी सहमति दी और दिन रात लेखन का कार्य आरंभ हुआ। महर्षि वेदव्यास जी बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। दिन रात बिना रुके लिखने से उन्हें थकान होने लगी थी और प्यास भी लगने लगी थी, लेकिन महाकाव्य संपूर्ण होने तक जल या भोजन करना भी वर्जित था। देखते ही देखते गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। तब महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी के शरीर के बढ़ते तापमान को कम करने के लिए उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगा दिया था और उन्हें शांत और शीतल रखने के लिए उनकी पूजा अर्चना की। इस वजह से भगवान गणेश का नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। पुराणानुसार महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चला और अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य समाप्त हुआ था। तब वेदव्यास जी ने देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान अभी भी बढ़ रहा है और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूख गई है, जिससे उनके शरीर में अकड़न आ गई थी। तब गणेश जी की पीड़ा को कम करने के लिए वेदव्यास जी ने पास में स्थित सरोवर में उन्हें स्नान करवाया, जिससे गणेश जी का तापमान और उनके शरीर की अकड़न कम हुई। उसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को तरह तरह के व्यंजन खाने को दिए। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मिट्टी के पार्थिव गणेश जी को घर में स्थापित कर उनकी पूजा करते थे और महाभारत लिखते समय 10 दिनों तक गणेश जी ने भोजन पानी ग्रहण नहीं किया था, इसलिए उन्हें 10 दिनों तक नाना प्रकार के व्यंजन खाने को देते हैं और अनंत चतुर्दशी को उनका पानी में विसर्जन करते हैं। और दूसरी मान्यता अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दोपहर 12 बजे गणेश जी का प्रागट्य हुआ था। कहते हैं माता पार्वती ने अपने शरीर के योग मल से गणेश जी को उत्पन्न किया था। कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत इसी दिन से विद्या अध्ययन का शुभारंभ हुआ था। तो दोस्तों, यह थी गणेश जी को घर घर में बिठाने की पौराणिक कहानी। तो वीडियो पसंद आया हो और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में गणपति बाप्पा मोरिया जरूर लिखना।